झारखंड में गेहूं की पारंपरिक तरीके से खेती होती है, लेकिन बेहतर उपज के लिए पारंपरिक तरीकों में कुछ बदलाव जरूरी हो जाता है। गेहूं की खेती में भी अगर हम सघनीकरण विधि या श्री विधि का पालन करेंगे तो हम इसकी अच्छी उपज ले सकते हैं। श्री विधि से गेहूं लगाने के लिए हमें कुछ बातों का पालन करना होता है, जैसे कि बीज का चयन और उपचार, खेत की 2 से 3 बार जुताई, खाद प्रबंधन, लाइन से बीज की रोपाई, खार पतवार नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन। श्री विधि से गेहूं की फसल लगाने के लिए पहला एवं सबसे महत्वपूर्ण चरण है बीज का उपचार। चलिए देखते हैं हमारी दीदी लोग कैसे गेहूं के बीज का उपचार कर रही हैं। क्या भाभी ये सब क्या फैला के रखे हुए हैं, क्या कीजिएगा इसका? हाँ, हम तुमको बोले थे ना कि श्री विधि से लगाना है। तो श्री विधि में सबसे महत्वपूर्ण बातें होता है कि बीज उपचार करना। अरे भाभी ये सब हम तो अगले बार बीज लिए और खेत में सही बुआई कर दिए थे। अब तुमको हम बताते हैं। देखो तुम इस तरह से नहीं की थी ना, जो तुम पिछले साल गेहूं की खेती की उसमें तो तुम्हारा अच्छा फसल नहीं हुआ। कीड़ा उड़ा तो जरूर लगा हुआ होगा जिसके कारण से तुम्हारा कम फसल हुआ। इसलिए हम इस तरह से बीज उपचार हम कर लेंगे तो हमारा कीड़ा लगने का कोई संभावना नहीं होता है और इससे हमारा फसल अच्छा से, हमारा पौधा अच्छा से बनता है। अच्छा भाभी तो हमें भी बताइए कैसे क्या करते हैं, हम भी करेंगे। देखो उसको करने के लिए हमको पहले बीज चाहिए, पानी, गुड़, बीज अमृत, एजेक्टोवेक्टर, पीएसबी और ट्राइकोडर्मा चाहिए। देखो हमको तो बीज चाहिए, लेकिन सबसे पहला है कि हमें अच्छे बीज को उसमें से छाट के निकालना है। अरे अच्छा बीज क्या होता है? अच्छा बीज भी निकाला जाता है, हम तो ऐसा ही इस्तेमाल करते हैं। अरे आशा तुम नहीं समझ रही हो, अच्छे बीज हम किस तरह से इसको अच्छे से निकालेंगे। देखो हम तुमको बताते हैं कि किस तरह से इसको निकाला जाता है। पहले हम उबला हुआ पानी लेंगे, उसमें बीज डालेंगे और जो हमारा बीज में जो खराब रहेगा, सड़ा हुआ रहेगा, वो बीज ऊपर हो जाएगा। जब ऊपर हो जाएगा तो वो बीज को हम निकाल देंगे और निकालने के बाद जो हमारा अच्छा बीज रहता है वो वहाँ बैठ जाता है। फिर उसको हम अच्छे बीज को फिर निकाल के फिर वहाँ पर ही पसार देंगे। देखो उसके बाद से हम इसको पसार के 4-5 घंटा इसको पसार दिए, ये हमारी सबसे अच्छी बीज बच गई। गेहूं के उपचार में किन सामग्रियों की जरूरत होती है तथा गेहूं के अच्छे बीज की छटाई हम कैसे करते हैं? जब तुम बीज उपचार करने के लिए जाओगी ना तो सबसे पहले गुड़ का पानी बना लेना है। अच्छा ये बात है, इतना सारा तो सब हमें बता दिए, तो बीज कितना चाहिए? अरे सुनो हम 20 डिसमिल में गेहूं लगा रहे हैं, इसलिए बीज 2 केजी लिए हैं। अच्छा भाभी ये सब तो हम सब कर लिए हैं, लेकिन इतना सारा बड़ा पैकेट है तो हम क्या सभी दवा के यूज कर लेंगे? जो हम दवाई लिए हैं एजेक्टोवेक्टर, पीएसवी, ट्राइकोडर्मा, इनमें से हम 20 ग्राम इसमें डालेंगे और जो गुड़ का पानी बनाएंगे वो 1 लीटर में 100 ग्राम गुड़ लेंगे। चलो ये सब कैसे बनता है वो सब करके हम तुमको दिखाते हैं। बीजा अमृत को इसमें मिलाएंगे, उसके बाद से इसको अच्छे से मिलाएंगे, छांव में छोड़ देंगे। तो देखो जो हम अच्छा बीज
छाट के रखे हुए हैं गुड़ पानी से इसको मिलाएंगे। क्यों मिलाइएगा? जिससे गुड़ पानी से ये चिपचिपा हो जाता है। इसमें हम ट्राइकोडर्मा और एजेक्टोवेक्टर मिलाएंगे तो इसमें चिपचिपा हो जाएगा, ये अच्छे से चिपक जाएगा, तो इससे हमारा बीज उपचार अच्छे से हो पाएगा। देखो अब ये तो मिल गया, अब इसमें हम दवा डालेंगे। दवा ले लिए तो इतना सारा दवा तो डालना नहीं है, इसमें से केवल हमको 20 ग्राम ही डालना है। इसके लिए हम एक माचिस का तिल्ली का डिब्बा ले लिए हैं, जो कि इसे हम नापने में हमको सुविधा पड़े। ये 10 ग्राम का है तो हम दो बार डालेंगे तो 20 ग्राम हो जाएगा। दस ग्राम हो गया, 20 ग्राम हो गया। ये भी 10 ग्राम हो गया, ये भी 10 ग्राम हो गया, ये भी 20 ग्राम हो गया। अब हम PSB और एजेक्टोवेक्टर डाल दिए हैं, अब इसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे और ट्राइकोडर्मा थोड़ा देर बाद में डालेंगे। इसको अच्छा तरह से मिला लेंगे, उसके बाद से उसको डालेंगे। अब तो ये अच्छी तरह से मिल गया, अब हम ट्राइकोडर्मा का फिर 20 ग्राम डालेंगे। ये 10 ग्राम हुआ, ये 10 ग्राम हुआ, 20 ग्राम हो गया, फिर इसको हम अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे। देखो अब तो ये अच्छा से मिल गया, अब इसको हम 12 घंटा से 18 घंटा तक इसको हम अच्छा से बांध के और छांव में छोड़ देंगे। उसके बाद से देखेंगे कल इसको जब बुआई करने लगेंगे तो इसमें छोटा छोटा अंकुरित हो जाएगा। गेहूं के बीज उपचार की पूरी प्रक्रिया क्या है? अब तुम समझ ली ना? हाँ, अब इसको रख देते हैं, उसके बाद से जब इसको हम खेत में बुआई करेंगे तो कल तुम देखने के लिए आ जाना। देखा हुआ रहेगा तो तुमको भी करने में कठिन नहीं होगा। समझौता ना करने वाली बातें। पहली, बीज की छटाई के लिए गुनगुना या लगभग चाय जितना गर्म पानी का प्रयोग करें। दूसरी, बीज उपचार छायादार स्थान पर करें। तीसरी, बीज उपचार में प्रयोग किए जाने वाली दवाओं को बताए गए क्रम में ही उपयोग करें एवं ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अंत में करें। चौथी, उपचार के बाद बीजों को सूती या कपड़े में लपेटकर छायादार स्थान पर अंकुरण के लिए रखें। उम्मीद है आप सब गेहूं के बीज उपचार की पूरी प्रक्रिया को अच्छे से समझ गए हैं और आप भी इसी तरह बीज का उपचार करेंगे। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि श्री विधि से गेहूं लगाने के लिए हमें खेत की तैयारी कैसे करनी है।